Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So, आप में से जो कोई भी अभी न्यू स्टूडेंट है जिसने जनवरी 2021 में सेशन लिया है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है बिकॉज मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे जून 2020 वाले, वो अब सारे सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं. सो मैंने जितनी भी रैंडम चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डिटेल्स जानना, लाइक री रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म्स, बुक असाइनमेंट के, स्टडी स्ट्रैटेजीज, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी. सो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आपके जो सिलेबस है, जो भी कोर्स है, उसे कम्प्लीट करने में आपकी थोड़ी और हेल्प करूँ. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देना चाहती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग एंड कंप्यूटर के रिगार्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगी, मैं आपको पढ़ा दूंगी एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड लैब. क्योंकि लैब में अगर हुआ लैब का दिन पक्का मैं बता दूंगी, बट एक्सेप्ट मैथ्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. आई एम नॉट लाइंग, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है. एग्जाम्स जून में होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सो मेक श्योर उससे पहले आपको असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करके सबमिट करने हैं. असाइनमेंट्स के लिए प्लीज़ परेशान नहीं हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो. अभी अभी मैंने चेक किया था, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर असाइनमेंट सबमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक. तो आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन ऐसे ही चलता रहता है तब तक जब तक कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से लाइक 10-20 डेज पहले तक ये एक्सटेंशन चलता रहता है. सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, बट पुराने वाले जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं उन्हें पता है कि यार अगर लास्ट डेट है तो ये पक्का एक्सटेंड होने वाली है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर टुडेज टॉपिक. और आज मैं आपके साथ BCS 11 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर, उसकी ब्लॉक 1 का यूनिट 1. ओके, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, कहीं 20 से नहीं पिक कर रही हूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक. ब्लॉक 1 की यूनिट 1 में सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वो है कंप्यूटर, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन. कंप्यूटर क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और एप्लीकेशन क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ करते हो. तो मान लो अब आप पहले दिन अपने क्लास वहाँ पे अटेंड करने गए अपने स्टडी सेंटर में, और आपके टीचर ने आपसे ये क्वेश्चन किया, टेल मी व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. तो अब तक जो डेफिनेशन है, आप कंप्यूटर का स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, एकदम रटते हुए आ रहे हो, जिस किसी का भी कंप्यूटर रहा होगा. तो वहाँ पे डेफिनेशन क्या होता था, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म बेसिक टास्क और विच परफॉर्म्स कैलकुलेशंस. ये ऐसी बेसिक सी एक लाइन की डेफिनेशन होती थी, बट ये डेफिनेशन अब आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे काम नहीं आने वाली है. इसी डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा इन्हांस करना होगा बिकॉज अब आप हायर लेवल की स्टडीज़ में आ गए हो और आप कंप्यूटर को बहुत डीपली पढ़ने वाले हो. तो एज अ BCS स्टूडेंट आपको कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से आना चाहिए. इसी छोटी सी जो डेफिनेशन है उसे मैंने यहाँ पे इन्हांस करके लिख दिया है, और वो डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस डेट परफॉर्म्स प्रोसेसेस calculations and operations based on the instructions provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data, process it and then produce it. तो ये डेफिनेशन व्हाट इज़ अ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डेफिनेशन है. अगर ऐसी कोई डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो मेक श्योर यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये भी ड्रॉ कर देना. तो ये जो है आपके आंसर को और इन्हांस कर देगा और आपके मार्क्स जो है वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे एग्जाम में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर. अब हमने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या है, तो हमें पता चल गया कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काम करता है. कैसे काम करता है, वो आप उसे इनपुट देते हो, फिर वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है. तो अब ऐसी किसी मशीन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, What was the cause of origin of computer? तो computer का origin जो है वो mainly calculations के लिए हुआ. तो calculation में आपने देखा होगा Roman numbering system, Greek system, Indian system. तो ऐसी बहुत सारी numbering system है जिसमें universally Indian numbering system को accept किया गया है, जो कि है 0 to 9. Okay? So this was the cause of origin of computer. Now, पहला जो computer था, जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया गया था वो क्या था. सो द फर्स्ट डिवाइस वॉज कॉल्ड एबैकस, और ये जो है वो चाइना में डेवलप हुआ था इन 3000 BC. आपको रिमेंबर रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहला जो कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था, इसे हम कंप्यूटर की तरह ही लेते हैं, वो क्या था, कहाँ डेवलप हुआ था, कब डेवलप हुआ था. सो
abacus was developed in China in 3000 BC. The word abacus mean calculating board. जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे जो बड़े बड़े calculations होते थे उन्हें perform करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई device का invent किया गया जिसके through वो easily बड़े बड़े calculations को complete कर सकते थे कम time में. तो abacus को first computer जैसा consider किया जाता है because बेसिक आर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए लोग इसे यूज़ करते थे पुराने ज़माने में. नाउ एबेकस जब एक बार डेवलप हो गया उसके बाद उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाया गया. अब हम सिंपल बेसिक आर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस है वो तो कर ले रहे हैं, बट एक्स्ट्रा जो लॉग्स वगैरह हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाए. तो उस चीज़ को सोच करके जॉन नेपियर ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लॉगरिदम्स का इन्वेंशन किया है, उन्होंने एक डिवाइस बनाई नेपियर्स बोन. इससे इसके थ्रू आप जो लॉग्स की कैलकुलेशन थी वो आप परफॉर्म कर सकते थे. अब इसे बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 11 रॉड्स थे साइड बाय साइड जो प्रोडक्ट्स और क्वेश्चंस का काम करते थे वहाँ पे बताते थे, और ये जो बोन्स थे वो बोन ऑफ आइवरी से बने हुए थे, इसलिए शायद इन्हें बोन्स कहा जाता था, नेपियर्स बोन. तो एबेकस के बाद इस डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ. अब इस डिवाइस के डेवलपमेंट के बाद थोड़ा और इन्हेंसमेंट आया. तो यहाँ पे इंग्लिश मैथमेटिशियन ई गंटूर ने स्लाइड रूल का डेवलपमेंट किया, और ये जो मशीन यहाँ पे मैं आपको पिक भी दिखा रही हूँ बगल में, इस मशीन का नाम दिया गया स्लाइड रूल. और ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती थी, लाइक इसमें एडिशन भी आप कर सकते थे, सब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और डिविजन भी कर सकते थे. तो यहाँ पर आपको थोड़े से और ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए. उसके बाद फिर इन्वेंशन हुआ पास्कल्स कैलकुलेटर का, और ये ब्लेज पास्कल जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ऑल्सो एक फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है पास्कल कैलकुलेटर के, कि वो कैसा दिखता था. तो ऐसे ये इन्वेंशन स्टेप बाय स्टेप चलता गया, और इनके बाद भी और बहुत सारे आपके नए नए डिवाइसेस बने, लाइक यहाँ पे लिबनीज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन, उसकी भी पिक मैंने यहाँ पे डाली है. डिफरेंस इंजन, दिस वन इज़ डिफरेंस इंजन. एनालिटिकल इंजन, ये वाला है. देन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, एंड देन फिर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो कि आप अभी अपने घर में यूज़ करते हो ऑफिसेज वगैरह में. तो ये जो हैं इन सारी चीज़ों को, मतलब इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए लाइक एबेकस के बारे में, नेपियर बोन्स के बारे में. और ये सारी भी वही कैलकुलेटिंग डिवाइसेज हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता गया है और नई नई डिवाइसेज यहाँ पर बनती गई है. उसके बाद इस यूनिट में जो मेन जो चीज़ है जिससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो है कंप्यूटर जनरेशंस. तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर लाइक ऑल टोटल 5 जनरेशंस के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. कि जैसे ही आपके डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ स्टेप बाय स्टेप, उनमें नई नई ऑप्शंस जो हैं वो ऐड हुए, और फिर उसे थोड़ा सा और लाइक एडवांस बनाया गया, फिर थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया. कैलकुलेशन में पहले ऐड करने के लिए बना, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बना, देन लॉग्स के लिए बना, देन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग सब के लिए बना. वैसे ही यहाँ पे जो कंप्यूटर जो था वो पुराने ज़माने का कंप्यूटर में क्या चीज़ यूज़ होता था, देन अभी के ज़माने के कंप्यूटर में क्या चीज़ें यूज़ होती है, क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो उनके लिए आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के जो फादर हैं वो कौन है, चार्ल्स बैबेज. तो लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर जनरेशन. आपको यहाँ पे डेट्स ज़रूर से याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, सेकंड कब था, थर्ड कब था, फोर्थ कब था एंड फिफ्थ कब है. तो मेक श्योर डेट्स को याद रखना है. सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. अब यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग्स में ही वैक्यूम ट्यूब्स लिख दिया है. तो इन जो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते थे इनके मेन फीचर्स क्या होते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी. ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको पिक्चर इंसर्ट की है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप जो आप देख रहे हो ये होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करते थे. मशीन लैंग्वेज आपको पता है, मशीन क्या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर सिर्फ. तो आपको अगर 2+2 वहाँ पे उसका रिजल्ट चाहिए होता तो आपको 2+2 को लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज में से कन्वर्ट करके तब उसमें इनपुट करना पड़ता था, तब वो प्रोसेस लेता था, तब वो आउटपुट देता था. तो हर किसी को तो अभी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा हार्ड भी था यूज़ करना, और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कॉस्टली भी था.
साथ ही ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लाइक एक पूरा रूम कवर कर लेता था। अगर ये जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था तो इसे ठंडा रखने के लिए एसी या किसी भी कूलिंग चीज़ की, कूलिंग डिवाइस की ज़रूरत होती थी। उसके बाद इसमें जो इनपुट था वो बहुत ही लाइक स्लो इनपुट लेता था, फिर स्लो आउटपुट देता था, धीरे 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 काम करता था। साइज़ जैसा मैंने बताया बहुत ह्यूज था, नॉन पोर्टेबल था, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह इस कंप्यूटर को लेके नहीं जा सकते थे। अगर आपने एक रूम में इसे फिट कर दिया तो फिर ये वहीं रहता था। प्लस ये साथ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। कैलकुलेशन के लिए तो बनाया गया, लेकिन इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती थी। वैक्यूम ट्यूब कभी भी उड़ जाता था, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हमेशा एक इंसान को रहना पड़ता था उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, कुछ उनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक मैंने लिखा है इनैक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम 701, आईबीएम 650। तो आपको यहाँ पे ये जैसे मैंने पॉइंट वाइज आपको फ़ीचर्स बताया है ना, इन पॉइंट वाइज फ़ीचर्स को आपको याद रखना है और इसे आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर बना के लिख सकते हो। साथ ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पर डाल देना, जिससे लगेगा कि थोड़ा सा और आपने इन्हांस किया अपने आंसर को। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपने समझ लिया, ओवरऑल वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता था और इलेक्ट्रिसिटी लेता था, और इसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। तो अब जब इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम थोड़े से और एडवांस करें, थोड़े चेंजेस करें। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, जो कि 1956 से लेके 1963 तक है, फर्स्ट वाला जो था वो 1940 से 1956 तक था, उसके बाद 56 से लेके 63 तक आया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चेंजेस किए गए, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ट्रांजिस्टर की, और आपने अपने घर में भी देखा होगा, टीवी वगैरह में, पुराने ज़माने के टीवी वगैरह में भी ट्रांजिस्टर्स जैसे लगे रहते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा रिलायबल था। उसके साइज़ के कंपेयर में अगर देखा जाए तो साइज़ में भी उससे छोटा था, लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, और जब हीट प्रोड्यूस कम होता था तो उसे कोई कूलिंग एजेंट की लाइक उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, बट हाँ फिर भी यूज़ किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी भी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में बहुत कम ये यूज़ करता था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर में ये और फास्ट काम करता था, लेकिन उस टाइम के लिए ये स्टिल बहुत कॉस्टली था। और इसमें जो चेंजेस आए वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज वो दोनों समझता था। ओके, तो पहला वाला जो था वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता था, और यहाँ पे सेकंड वाला जो था वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज को वो समझता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का कुछ एग्जाम्पल हो गया IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, Univac 1108। एग्जाम्पल्स मेक श्योर आपको याद रखना है, एंड ईयर्स भी याद रखना है। देन मूव ऑन टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में फिर थोड़ी सी चेंजेस की गई, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को हटा के IC यूज़ किया गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक IC है, IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब पहले वैक्यूम यूज़ किया गया, देन उसे हटा के फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया गया, फिर उसे हटा करके IC यूज़ किया गया। तो ये दोनों जनरेशन के कंपेयर में थर्ड जनरेशन जो था वो मोर रिलायबल हो गया, प्लस साइज़ भी जो है वो छोटा हो गया, और ये लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने लगा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था। प्लस ये उन दोनों जनरेशन के कंप्यूटर से और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा, क्योंकि इसमें सर्किट लगा हुआ था तो ये ज़्यादा जल्दी उड़ता नहीं था, और वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर जो था वो बहुत जल्दी उड़ जाता था, उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी, और IC जो था वो और ज़्यादा फास्ट काम करता था और इसमें मेंटेनेंस भी कम लगता था। स्टिल ये उस टाइम भी कॉस्टली होता था, सब लोग अफोर्ड नहीं करते थे कंप्यूटर्स को, और ये लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करता था, और इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हाई लेवल की लैंग्वेज मीन्स अभी जो आप टाइप करते हो, इंग्लिश भी लिख लेते हो, हिंदी भी लिख लेते हो, जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो वो भी लिख लेते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जब कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर जो है वो एडवांस होने लगा। एंड अगेन यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं जितनी चीज़ें, जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, अगर आप सिर्फ इतने पॉइंट्स को भी अपने दिमाग में सेट कर लोगे अच्छे से, तो आप इन पॉइंट्स को आराम से पैराग्राफ में बना करके खुद से लिख सकते हो, और इससे ज़्यादा इसमें डिटेल वाइज जाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट्स इनके फीचर्स को डिफाइन करने के लिए काफ़ी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुआ, VLIC टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। अब VLIC टेक्नोलॉजी क्या होता है, IC तो सुन लिया, अब VLIC क्या होता है? तो VLIC स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी एक सर्किट के जैसा ही होता है, बट इसमें टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। इसके आने के बाद रेट जो है वो थोड़ा सा सस्ता हो गया, पोर्टेबल भी हो गया, रिलायबल भी हो गया। और इसमें जो है वो पाइपलाइनिंग प्रोसेसेस यूज़ की जाती थी, और कंप्यूटर का जो साइज़ था वो छोटा हो गया। ये ऐसे वो, मैं अपने इसे लैंग्वेज में बुढ़े वाला कंप्यूटर बोलती थी स्कूल में, तो ऐसे ही पुराने ज़माने में जब आप अपने 3, 2 या 1 में होंगे तो ऐसे कंप्यूटर्स आपने अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा। तो इसमें क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, तो इसमें AC वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। फोर्थ जनरेशन से ऐप्स का, इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर में आपके इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो गया था, और नेटवर्क के फील्ड में बहुत सारी जो नई नई डेवलपमेंट्स थी वो हुई थी कंप्यूटर में। और फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर जो था वो ईज़िली अवेलेबल हो गया था मार्केट में, यानी कि उसे कोई भी बाई कर सकता था। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का कुछ एग्जांपल दिया हुआ, लाइक डेक 10, स्टार 1000, PGP 11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray XMP सुपर कंप्यूटर। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो अभी का जनरेशन जो है वो चल रहा है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रोबोटिक कंप्यूटर्स को इंक्लूड किया गया है, और एक्सपर्ट सिस्टम पूरा क्रिएट किया गया है। कंप्यूटर को लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है। कंप्यूटर्स को ऐसे बनाने की तैयारी में है कि लाइक वो नेचुरल लैंग्वेज को भी समझे आपकी, जो आप, हम ह्यूमंस जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं वो लैंग्वेज आपकी, वो चीज़ें कंप्यूटर भी समझ जाए। यानी कि टोटली आप कह सकते हो ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कि दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन फीचर्स आता है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी फिर चेंज होता है। अभी तक हमने वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, सर्किट्स, VLIC के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ULSI। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये भी सर्किट है, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में और एडवांस किया गया उसे। ULSI टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया। यहाँ पे कंप्यूटर को ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेवलप किया गया, जस्ट लाइक अ ह्यूमन, कि वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ सके, एक ह्यूमन ब्रेन की जैसा वो काम कर सके। और यहाँ पे सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ की गई। मल्टीमीडिया फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, कि आप कंप्यूटर में एक साथ अपना काम भी करो, मूवीज़ भी देखो, गेम्स भी खेलो, गाने भी सुनो। तो इसे मल्टीफंक्शनल बनाया गया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया इस कंप्यूटर को। इतना ज़्यादा इसे एडवांस कर दिया गया है कि अब ये कोई भी टास्क को बहुत ईजी वे में, बहुत जल्दी, कम टाइम में कंप्लीट कर देता है। इसलिए अब हर जगह पे काम के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। आपने पहले बैंक्स वगैरह में देखा होगा, जो आपके कस्टमर्स वगैरह होते थे, उनकी जो डिटेल्स थी वो ढेर सारे फाइल्स में जमा रहती थी, उनके बायोडाटा वगैरह थे। स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, बट अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू है। तो फाइल्स को अब साइड रख के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जा रहा है। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यहाँ पे आपका एग्जांपल आ गया, लाइक डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, क्रोमबुक हो गया, मैकबुक हो गया। तो ये जितने अभी के एडवांस जो नए कंप्यूटर्स आए हैं मार्केट में, ये सारे हो गए आपके फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स में। और फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो है वो आपके बहुत चीप रेट में अवेलेबल होने लगे। 15,000 से भी स्टार्टिंग है कंप्यूटर्स के, और लाख में भी हैं। तो डिपेंड करता है कि उसकी टेक्नोलॉजी के, उसके फंक्शंस के ऊपर, उसके स्टोरेज पावर के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, कि उसमें क्या न्यू चेंजेस आई है। सो दिस वॉज ऑल आपके कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। मेक श्योर कि डेट्स एंड एग्जांपल्स याद रखना, एंड फीचर पढ़ लेना, आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। एंड आई होप कि मैंने बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में आपको बताया है, तो आपको कुछ समझने में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके आगे के टॉपिक्स को इंक्लूड करूँगी अपने लेक्चर्स में। आई थिंक इसके बाद जो है वो शायद आपका CPU वगैरह है कंप्यूटर का, ओके? तो उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय।